हम सभी प्रतिदिन अपना कार्य करते हैं, तो कभी कुछ अधूरा रह जाता है, तो कुछ भूल हो जाती है, कभी कुछ हानि हो जाती है, और फिर उस भूल उस हानि के अनुभव की पीड़ा तले हम दब जाते हैं। अब आप लोग कहेंगे कि ऐसा होना तो स्वाभाविक है। यदि ऐसा है तो तनिक सूर्य की ओर देखिए, वो प्रतिदिन अंधकार से लड़ता है और हर रात्रि के पश्चात एक नई ऊर्जा एक नए तेज के साथ उदित होता है। तो क्यों ना आप भी अपने जीवन की बीती पुरानी बुरी बातों को भुलाकर अपना प्रत्येक दिन नई ऊर्जा नए जीवन की तरह प्रारंभ करें। विश्वास कीजिए, आपका जीवन सरल हो जाएगा और आनंददायी भी। वृक्ष जब फलता है तो कितना सुंदर लगता है, उसकी डालियां झुक जाती हैं, जितने अधिक फल उतनी झुकी डालियां। कारण वृक्ष कहता है कि मेरे इन फलों को तोड़ो, उसका आनंद लो। इससे एक ओर हमें वृक्ष के मीठे फल खाने को मिलते हैं, तो दूसरी ओर वृक्ष के स्वयं का बोझ कम हो जाता है। इसी भांति यदि आप सफल हैं तो अहंकारी मत बनिए, विनम्र रहिए। ये विनम्रता ही आपके बोझ को कम करेगी। और यदि आप विनम्र ना रहे, झुके नहीं, तो आप अपनी ही सफलता के फलों के बोझ से टूट कर गिर जाएंगे। समय बदलता है, ऋतुएं बदलती हैं। जब गर्मियां होती हैं तो हम उलाना करते हैं कि बड़ी गर्मी है, बारिशें कब आएंगी, और जब बारिश आती है तब हम कहते हैं कि बड़ा चिपचिप, सर्दियां कब आएंगी, और जब सर्दियां आती हैं तब हम गर्मी की प्रतीक्षा करने लगते हैं, और इसी कारण हम किसी भी ऋतु का आनंद नहीं उठा पाते। कल क्या होगा इसके विषय में सोचकर अपना समय व्यर्थ करना बंद कीजिए। ऋतुओं पर आपका कोई वश नहीं, परंतु आज के अभी के इस पल पर इस क्षण पर आपका वश तो है। उसे जीना सीखिए, उसका आनंद उठाना सीखिए। सबके मन का सबसे बड़ा भय क्या है, सबसे बड़ा लालच क्या है, सबसे बड़ी चिंता क्या है, तनिक विचारिए। सबके मन का सबसे बड़ा भय सबसे बड़ी चिंता है मृत्यु। सभी सोचते हैं, सभी भय खाते हैं कि कहीं मृत्यु ना आ जाए, सभी लालच करते हैं कि कुछ दिन और जीने को मिल जाए, सभी आशा करते हैं कि वे कभी ना मरे। और इसी मृत्यु के भय के कारण ही आप उस जीवन की उपेक्षा कर देते हैं जिसे आप जी रहे हैं। क्या कभी आपने सोचा कि आप मृत्यु से भयभीत क्यों होते हैं? क्योंकि आप जीवन में वो कर नहीं पाए जो आप करना चाहते हैं, और जो आप करना चाहते हैं वो कर पाना तभी संभव होगा जब आप मृत्यु के भय से निकलकर अपने जीवन के हर पल का उपयोग करना सीख जाएंगे। तो मृत्यु के भय से बचने का केवल एक ही मार्ग है, एक ही मंत्र है, अपने जीवन के हर पल को जियो। वृक्ष मुझे बहुत प्रिय है, बहुत अच्छे लगते हैं, आपको भी अच्छे लगते होंगे। कारण यह है कि वो हमें छाया देते हैं, अपनी शीतलता देते हैं, शांति देते हैं। परंतु मुझे वृक्ष एक और कारण से अच्छे लगते हैं, और वो कारण है वो सीख जो एक वृक्ष हम सभी को देता है, और वो सीख है
अमरता। एक वृक्ष कभी नहीं मरता, मरने से पूर्व वो अपने जैसे कई वृक्ष अपने बीजों के द्वारा संसार को दे जाता है। तो अमर होने का केवल एक ही मार्ग है, और वो है जो आपके पास है, वो संसार को दो। अपना ज्ञान, अपना अनुभव, अपना आनंद बांटने में कंजूसी ना करें, कभी कृपण ना हो, तो आप संसार में सदा जीवित, सदा अमर रहेंगे। हम सभी घरों में रहते हैं, और अधिकतर लोगों के जीवन का ये एक स्वप्न तो होता ही है कि हमारा अपना घर हो, है ना। और बड़ी अद्भुत बात तो ये है कि कुछ समय के पश्चात हम उस घर को विस्तृत करना चाहते हैं, उसका आकार बदलना चाहते हैं, उसकी रूपरेखा बदलना चाहते हैं, क्योंकि इसमें आनंद भी है। तनिक सोचिए, जब आपको घर का वास्तु बदलना हो, उसे और सुंदर बनाना हो, तो पुराने निर्माण को तोड़ना पड़ता है, उसे गिराना होता है, घर में तोड़फोड़ करनी पड़ती है। क्योंकि निर्माण के विज्ञान में टूटने का ज्ञान बहुत ही आवश्यक है। ठीक उसी प्रकार यदि आपके जीवन में समस्याएं, विपदाएं या बाधाएं आपको थोड़ा तोड़े, तो इसे संकेत समझिए कि आपके भीतर कुछ नया बनने वाला है, कुछ नए का निर्माण होने वाला है। और स्वागत करें इस नए निर्माण का, अपने जीवन के इस नए युग का। कभी वन में सिंह को अखेट करते देखा है? हमें लगता है कि सिंह तेजस्वी है, बलशाली है, तीव्र है, इसलिए वो अखेट कर पाता है। परंतु इस अखेट के दूसरे पक्ष को भी देखने का प्रयास कीजिए। सिंह अखेट तभी कर पाता है जब हिरण आस छोड़ देता है, जब वो भागना बंद कर देता है, जब वो संघर्ष करना छोड़ देता है। सिंह हिरण की मृत्यु नहीं चुनता, हिरण स्वयं अपनी मृत्यु चुनता है। ठीक उसी प्रकार असफलता हमें नहीं चुनती, हम असफलता को चुनते हैं। ये हम ही हैं जो आशा को छोड़कर संघर्ष करना छोड़ देते हैं और भाग्य का अखेट बन जाते हैं। इसलिए संघर्ष करना मत बंद कीजिए, प्रयास करते रहिए, और सफलता आपकी मुट्ठी में होगी। जब घर में अंधकार छा जाता है, तो प्रकाश लाने के लिए आप क्या करते? दीपक ढूंढते और उसकी लौ को प्रज्वलित करते, और फिर अंधकार अपने आप दूर हो जाता है। अब आप कहेंगे कि इसमें कौन सी नई बात है, यदि अंधकार को दूर करना है तो दीपक की लौ को प्रज्वलित तो करना ही पड़ता है। यही बात तो समझने की है, यदि अंधकार से लड़ना है तो अंधकार का सहारा नहीं लिया जा सकता, उसके लिए प्रकाश की आवश्यकता होती है। घृणा का अंत करना है तो उसे घृणा से अंत नहीं किया जा सकता, उसे प्रेम की आवश्यकता होती है। शत्रुता का अंत शत्रुता से नहीं किया जा सकता, उसे क्षमा की आवश्यकता होती है। यदि आपको नकारात्मक ऊर्जाओं से लड़ना है तो स्वयं को सकारात्मक बनाना होगा, और तभी आपके जीवन में वास्तविक आनंद आ सकेगा। एक ना एक बार हर युवा के जीवन में एक ऐसा समय आता है जब उसे लगता है कि उसके माता पिता उसके साथ बहुत कठोर हो रहे हैं। मैं आपसे पूछता हूं कि आपने कभी कुम्हार को मटकी बनाते हुए देखा है? वो गीली माटी से मटके को चाक पर आकार देता है, और वास्तविक आकार वो मटकी को तब देता है जब वो लकड़ी के संभल से मटके को बाहर से पीटता है। हम सभी उस कुम्हार को मटके को पीटते हुए देखते हैं,
परंतु उस कुम्हार के उस हाथ को नहीं देखते जो मटके को भीतर से बाहर की मार से सहारा दे रहा है। हमारे माता पिता भी ऐसे ही होते हैं, अपनी संतान के भले के लिए, उसके भविष्य को आकार देने के लिए कभी कभी वो कठोरता को भी अपनाते हैं। आप केवल उनकी कठोरता को मत देखिए, उस संभल को भी देखिए जिसने आपको भीतर तक से संभाल कर रखा है। आप जानते हैं कि मैं क्या कर रहा हूं? मैं प्रतीक्षा कर रहा हूं कि कब इस वृक्ष पर फल लगेंगे और मैं उन मीठे फलों के रस को चख पाऊंगा। हंसी आ गई ना आपको? आप भी सोच रहे होंगे कि भला कौन सा मूर्ख बबूल के पेड़ को बोकर आम खाने की इच्छा रखता है। यदि कांटे बोए हैं तो फल नहीं कांटे ही मिलेंगे। देखा, रक्त बह गया। ठीक ऐसा ही हमारे कर्मों के साथ होता है। हमारे बुरे कर्मों का फल कभी शुभ नहीं हो सकता। जो हाथ अस्मिता लूटने को आगे बढ़ेंगे उन हाथों को कटना होगा। जो दृष्टि बुरी बनकर स्त्री पर पड़ेगी उन्हें अनजान नहीं रक्त के अश्र भोगने होंगे। जिसने अपने जीवन में छल किया उसे अपने ही छल के भार तले दब कर मिट जाना होगा। समय रहते जिसकी आंखें नहीं खुली समय उसकी आंखें बंद कर देता है। इन भिन्न भिन्न प्रकार के पात्रों को देख रहे हैं आप, क्या आप बता सकते हैं कि इन पात्रों में क्या रखा है? आपको लग रहा होगा कि इसमें भिन्न भिन्न प्रकार के द्रव्य है ना, परंतु ऐसा नहीं है। इन सभी में एक ही जल है। देखिए, परंतु ये भिन्न भिन्न लगते हैं क्योंकि जिसमें ये जल रखा है उसके रंग को परिभाषित करता है। अब यूं समझिए कि इस पात्र में रखा जल हम है और ये पात्र वो संगति है जिसमें हम रहते हैं। हमारी संगति के गुण धर्म हमें हमारे व्यक्तित्व को हमारे संप्रेषण को बहुत प्रभावित करते हैं। इसलिए अपनी संगति पर जिनके साथ रह रहे हैं उन्हें चुनने में सावधानी बरते, क्योंकि जल को अपना पात्र चुनने का अधिकार नहीं है किंतु हमें अपनी संगति चुनने का अधिकार अवश्य है। हम सभी के जीवन के लिए मित्रता बड़ी महत्वपूर्ण है। हम सभी अपने जीवन में अपने अपने मित्र चुनते हैं। मित्र वो होता है जिसके साथ रहने में, जिसके साथ समय बिताने में आनंद मिले। किंतु क्या मित्रता का अर्थ केवल इतना ही है? मित्रता होनी चाहिए जल और दूध की भांति। जो एक साथ सदा मिल जाते हैं, एक आकार हो जाते हैं। जब दूध उबलता है तो जल भाप बनकर उड़ता है ताकि दूध का अस्तित्व बना रहे। जब यह मिश्रण उफनता है तब दूध पात्र से पहले गिरता है ताकि वो जल को बचा सके। मित्रता भी इसी प्रकार होती है, किंतु यदि दूध में तनिक भी खटास आ जाए तो वो दूध को फाड़ देती है। ठीक इसी प्रकार यदि मित्रता में संदेह आ जाए तो वो मित्रता को समाप्त कर देता है। इसलिए मित्र बनाएं, किंतु झूठे संदेह से सावधान रहें। जब सागर का जल वाष्प बनकर उड़ता है तब वो हमें दिखाई नहीं देता,
मेघ उस जल को अपने भीतर छिपा लेते हैं, लंबी यात्रा करते हैं, प्रयास करते हैं कि वो जल सदा उनके भीतर छिपा रहे, परंतु जब वायु का वेग उन्हें उड़ाकर किसी पर्वत से ले जाकर के टकरा देता है, तब उन मेघों को बरसना ही पड़ता है, क्योंकि यही नियति है, यही प्रकृति है, क्योंकि जल को सागर में जाकर मिलना ही है। ठीक ऐसा ही हमारे साथ भी होता है। हम सत्य अपने मन के मेघों में चाहे जितना छिपाने का प्रयास कर लें, परंतु समय की आंधी उसे वास्तविकता के पर्वत से ले जाकर के टकरा कर हमारे समक्ष ले ही आती है। जिस भय के कारण आप सत्य को सामने नहीं लेकर आना चाहते, एक दिन वही भय हमारे समक्ष आकर खड़ा हो जाता है और फिर हम लाचार हो जाते हैं, क्योंकि हमने उस भय का सामना करने की तैयारी नहीं की होती। इसलिए सत्य से भागे नहीं, उसे छिपाए भी नहीं, उसे स्वीकार करें, भविष्य की बड़ी विपत्ति से बच जाएंगे। वृक्ष से टूटकर गिरे पत्ते को तो आप सभी ने देखा होगा, वो कुछ ही देर में मुरझा जाता है, पीला पड़ जाता है, सूख जाता है, वायु का वेग उसे उड़ाकर कहीं और ले जाता है, पैरों तले पिसता है, वर्षा के जल में गलता है। तो क्या यही अंत है? नहीं, इसके पश्चात क्या होता है वो विचारणीय है। एक पत्ता गल कर सूख कर पिसकर उसके अवशेष धरती में रिसते हैं और खाद बनते हैं, और उसके पश्चात वो खाद पेड़ की जड़ों में जाकर मिल जाता है और नव जीवन देता है एक और नए पत्ते को। अर्थात कहीं भी कभी भी कुछ भी ना अयोग्य होता है ना बेकार होता है। इसलिए कुछ नष्ट हो जाने की चिंता करे बिना उसे आप समाज के हित में लगा दीजिए। विश्वास कीजिए, वो वस्तु, वो प्रयास कभी नष्ट नहीं होगा। कंकड़ों से बचने के लिए हम पदवेश पहनते हैं, भिन्न प्रकार के जूते पहनते हैं, और अच्छे जूते पहनकर कांटों के मार्ग पर चलना सरल हो जाता है। परंतु जब ये कंकड़, जब ये कांटे हमारे जूतों में होते हैं तो सरल मार्ग पर चलना भी कठिन हो जाता है। ठीक इसी प्रकार ये कंकड़ ये कांटे हमारे मन में होते हैं, ये कंकड़ ये कांटे होते हैं हमारा अतीत, जिसके भय के कारण हम उसे वर्तमान में स्वीकारना नहीं चाहते। कदाचित इसीलिए हमारे अतीत को भूत कहा गया है, क्योंकि एक भूत की भांति हमारा अतीत हमारा पीछा नहीं छोड़ता। इसलिए अपने अतीत के भयावह घटनाओं से भागे नहीं, उसे स्वीकारें। विश्वास कीजिए, आपका जीवन सरल हो जाएगा। कभी किसी पक्षी को घोंसले की नींव बनाते देखा है? अथक परिश्रम करके तिनका तिनका बिटोर कर वो पक्षी अपना घोंसला बनाता है, अपनी संतान के लिए एक सुरक्षित घर बनाता है, और फिर कहीं से तीव्र आंधी आती है, भारी वर्षा होती है, और उसका घोंसला तिनका तिनका करके बिखर जाता है। फिर वो पक्षी क्या करता है? वो रोता नहीं, ना ही विलाप करता है, वो बिना विलंब करे फिर से अपना घोंसला बनाना प्रारंभ कर देता है और सफलता पाता है। फिर हम क्यों छोटी छोटी असफलता से भयभीत होकर परिश्रम करना छोड़ देते हैं? एक बात सदा स्मरण रखिएगा, हर वृक्ष कुल्हाड़ी की एक मार से नीचे नहीं गिरता, हर चट्टान घन के एक प्रहार से नहीं टूटती। सफलता पाने के लिए अनावरत परिश्रम करना ही मात्र एक मार्ग है। स्वीकारण, सत्य का स्वीकारण मनुष्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब तक मनुष्य सत्य को स्वीकार नहीं करता,
उसे असत्य से लड़ने की शक्ति प्राप्त नहीं होती। जब आप भोजन करते हैं तो क्या होता है? आपका पेट स्वीकारता है कि वो भर चुका है और आप भोजन करना बंद कर देते हैं। जब आपको निद्रा आती है तो क्या होता है? आपका मन स्वीकारता है कि आपका शरीर थक चुका है और उसे विश्राम की आवश्यकता है। उसी प्रकार जब आपको किसी व्यसन को रोकना हो तो आपको स्वीकारना पड़ता है कि बहुत हो चुका, चाहे वो लालच हो या मदिरा पान। उस व्यसन का त्यागना तभी प्रारंभ होता है जब आप ये स्वीकार कर लेते हैं कि आप उस व्यसन के बंधक हैं। आप इन दो पात्रों को देख रहे हैं? मेरे इस पात्र में जल है और ये पात्र मिष्ठान से भरा हुआ है। दोनों ही पात्र भरे, परंतु देखिए, मिश्री को जल में मिला दिया, जल ने मिश्री को अपना लिया, मिश्री ने अपना अस्तित्व खो दिया। परंतु जल को अभिमान है कि उसका अस्तित्व अभी भी बना हुआ है। परंतु जो इस जल को चखेगा उसे अवश्य पता चल जाएगा कि ये जल अब वो जल नहीं रहा, ये अब शरबत बन गया। हमारा त्याग, हमारे बलिदान भी ऐसे ही होते हैं। जो इस बात को अनुभव करते हैं वो समझ सकते हैं कि कैसे हमने समय की धारा को बदल दिया। जो बलिदान देते हैं उनका अस्तित्व कभी नष्ट नहीं होता, अभी तो उनका बलिदान संसार में कुछ ना कुछ परिवर्तन अवश्य लाता है। हम सभी कभी ना कभी, कहीं ना कहीं अपने जीवन में यात्रा अवश्य करते हैं। हमारी यात्रा में कभी पक्के रास्ते आते हैं तो कभी कच्चे रास्ते। पक्के रास्ते मनुष्य बनाता है और कच्चे रास्ते जानते हैं कैसे बनते हैं? चलते चलते बन जाते हैं। जब लोग एक स्थान से जाते हैं तो पैरों के दबाव से नीचे की घास कुचल जाती है। बार बार उस मार्ग से जाने से धीरे धीरे मार्ग स्वतः ही बन जाता है। और यही जीवन है, यही नियति है। जब आपके जीवन में आपको मार्ग ना मिले तो रुकिए नहीं, आगे बढ़ते रहिए और आपके पैरों के दबाव से मार्ग स्वतः ही बन जाएगा। हम सभी अपने जीवन में सफलता चाहते हैं, है ना? उसके लिए हम रात दिन परिश्रम करते हैं, कड़ी मेहनत करते हैं, परंतु फिर भी असफल हो जाते हैं। परंतु ऐसा क्यों होता है, कभी सोचा आप सबने? क्योंकि सफलता पाने का मंत्र बड़ा कठिन नहीं, बड़ा सरल है। उचित विचार, उचित समय, उचित स्थान पर उचित प्रहार। जब आपके विचार, समय, स्थान और प्रहार यानी परिश्रम उचित है तो सफलता आप ही को मिलेगी। जिस प्रकार एक लौहकार लोहे से कुछ बनाते समय उस लोहे के सही ताप तक के आने की प्रतीक्षा करता है और समय आने पर उचित स्थान पर पर्याप्त बल से प्रहार करता है और लोहा आकार ले लेता है, ठीक उसी प्रकार आपकी सफलता भी आकार लेती है। हम सभी को अपने जीवन में कभी ना कभी निराशा मिलती है, असफलता मिलती है और अधिकतर लोग इसके पश्चात भाग्य का रोना लेकर बैठ जाते हैं। कुछ कहते हैं कि जिस स्थान पर मैं हूं उससे कई ऊंचे स्थान पर होने के योग्य था परंतु नहीं जा पाया। किसी को पीड़ा है कि उसे जो मिलना चाहिए था वो उसे नहीं मिला, भाग्य ही बुरा था। भाग्य क्या होता है? भाग्य वन में खिला पुष्प देवताओं को चढ़ाया जाएगा, या किसी सुंदरी के वेणी में वो सजेगा, या फिर उसे कुचल कर उत्पाद बना दिया जाएगा।
ये सब एक पुष्प के नियंत्रण में नहीं होता, परंतु जब तक उस पुष्प का अस्तित्व है, सुगंध बिखेरना उसके वश में अवश्य है। परंतु भाग्य हमारे वश में नहीं, और जो हमारे वश में नहीं उसके लिए दुखी होने से क्या होगा। कर्म पर वश है, वो कीजिए और धीरे धीरे भाग्य आपके वश में आ जाएगा, क्योंकि कर्म ही प्रधान है। हम में से ऐसा कोई नहीं जिनकी परछाई उनसे दूर रहती है। हमारी परछाई सदैव हमारे साथ रहती है। कदाचित हमारी परछाई हमारे कर्मों के फलों का संकेत है। कदाचित इसी कारण कई बार हमें अपनी परछाई से भय भी लगता है, परंतु इस भय से निवारण पाने का एक साधन अवश्य है, वो है सूर्य की ओर मुख करना या किसी प्रकाश के स्रोत की ओर मुख करना, क्योंकि तब हमें हमारी परछाई दिखाई नहीं देती। यदि इसे जीवन के संदर्भ में देखें तो ये प्रकाश का स्रोत शुभ कर्मों की चेतना है। यदि आपके मन में शुभ कर्म करने की इच्छा है तो आपको कभी भी अपने कर्मों के फल का भय नहीं होगा, क्योंकि यदि आपका मन शुद्ध होगा तो आपके कर्म शुद्ध होंगे, और शुद्ध कर्मों का फल कभी अशुद्ध नहीं हो सकता। आज मैं आप सबको एक कथा सुनाता हूं। एक दिन प्रातः एक व्यापारी अपने घर से निकला। घर से निकलते ही एक बिल्ली ने उस व्यापारी का मार्ग काट दिया। व्यापारी घबरा गया, वो फिर से घर लौट गया और शुभ घड़ी की प्रतीक्षा करने लगा। और जब वो पुनः अपने घर से निकला तब वो वाहन जा चुका था जिससे राजा तक पहुंचकर उसे भेंट देनी थी। राजा को भेंट नहीं मिली, राजा क्रोधित हो गए। राजा ने उस व्यापारी का व्यापार बंद करवा दिया। इस कारण व्यापारी क्रोधित होकर घर पर अपनी पत्नी से लड़ बैठा। पत्नी अपने बच्चों समेत मायके वापस चली गई, और उस व्यापारी के जीवन में यदि कुछ रह गया था तो केवल अंधकार। और इन सब का कारण वो उस बिल्ली को मानता रहा जिसने उसका मार्ग काटा था। ऐसा ही एक दूसरा व्यापारी राजा को भेंट देने निकला, और उस व्यापारी का मार्ग भी एक बिल्ली ने काट दिया। वो व्यापारी तनिक घबराया, परंतु उसने आगे बढ़ना अधिक उचित समझा। राजा तक वो समय पर पहुंचा, उसने राजा को भेंट दी। राजा प्रसन्न हुए और राजा ने व्यापारी को अपना व्यापार बढ़ाने की अनुमति दी, स्वर्ण आभूषण दी। जब व्यापारी घर पर पहुंचा तो पत्नी को आभूषण और अपने बच्चों को देने के लिए वस्त्र थे उसके पास। हर ओर प्रसन्नता थी। समझ रहे हैं ना, दोनों के साथ एक ही प्रकार की घटना हुई, परंतु दोनों की प्रतिक्रिया भिन्न थी। ऐसा ही हमारा जीवन भी है। हमारे जीवन में प्रारब्ध का अपना स्थान है, परंतु उससे कई अधिक महत्वपूर्ण हमारी प्रतिक्रिया, हमारे सोच का प्रभाव है, क्योंकि यही हमारे जीवन को आकार देते हैं। इसलिए अपनी सोच को सकारात्मक रखिए, आपका जीवन सदैव आनंदमय रहेगा। कभी किसी सुरंग से बाहर निकले हैं आप? कैसा ना भूल पाने वाला अनुभव होता है ना, कितना भयावह अनुभव होता है। मानो हर पल ऐसा लग रहा होता है कि यदि इस सुरंग में बंद हो गए तो क्या होगा, कैसे निकलेंगे इस सुरंग से। सर्वत्र अंधकार होता है, परंतु यदि आप ध्यान से उस सुरंग के मुखाने पर देखें तो वहां सदा प्रकाश होता है, और उस प्रकाश तक वही पहुंच पाता है जो सुरंग की छोर तक पहुंच पाए। और ऐसा ही हमारा जीवन भी है। इसी प्रकार कई बार हम स्वयं को निराशा की सुरंग में पाते हैं, जहां बाहर जाने का मार्ग नहीं सूझता। मानो जैसे जीवन आनंद सब समाप्त हो जाएगा।
परंतु ऐसी परिस्थिति में ठीक उस सुरंग की भांति इस निराशा को समाप्त करने वाला आशा का प्रकाश उसे ही मिलता है जो निरंतर आगे बढ़ता रहे। यदि आपके जीवन में कभी भी निराशा आए, कोई भी समस्या आए, तो उसका समाधान है निरंतर प्रयत्न करते रहना। प्रयत्न करते रहिए, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। कभी आप ब्रह्म मुहूर्त में जगे, जगकर देखिए, संध्या होने के पश्चात जब रात्रि का अंधकार सारे संसार को धीरे धीरे अपने अंधकार में निगलने लगता है, तो यही अंधकार ब्रह्म मुहूर्त में भोर होने से ठीक पूर्व तनिक अधिक काला हो जाता है। कुछ समझे? हमारा जीवन भी कुछ ऐसा ही होता है। जब हमारे जीवन की समस्याएं अपने अंत पर होती है, तो यही समस्याएं एक भीषण रूप लेकर हमारे समक्ष प्रस्तुत हो जाती है, और ऐसे परिस्थिति में अधिकतर लोग हार मान जाते हैं, भय खा जाते हैं। परंतु यदि आप हार ना माने, भय ना खाएं, दृढ़ रहें, निरंतर आगे बढ़ते रहें, तो प्रकाश के रूप में हमारा स्वागत करने के लिए सूर्य उदय सदा हमारे समक्ष प्रस्तुत रहेगा। आपने बरगद के वृक्ष को देखा है, जितना विशाल उतना दृढ़। पतझड़ में वो सूख जाते हैं, परंतु दुर्बल नहीं होते, टूट कर गिरते नहीं। और उसके विपरीत दलदल में उपजे वृक्षों को देखिए, वो दिखने में तो बड़े होते हैं, पतझड़ आए या शीत सदा हरे भरे होते हैं, परंतु इतने दुर्बल होते हैं कि जल धारा के हल्के से वेग से वो गिर जाते हैं। परंतु ऐसा क्यों होता है? कारण है जड़े। जिसकी जड़े दृढ़ भूमि में है, वो हर चक्रवात हर ऋतुओं को सह लेता है, और जिसकी जड़े दलदल में है, वो स्वयं की जड़ों को दुर्बल बना लेता है। कुछ ऐसा ही मनुष्य भी होता है, जो अधर्म कुकर्म और असत्य की धरा पर उपजा है, वो समय की एक मार भी नहीं सह पाता। और जो मनुष्य सत्य धर्म की धरा पर उपजा है, वो हर समस्या से अविचलित हो जाता है। अब आप पर निर्भर करता है कि आप क्या बनना चाहते हैं। हमारे जीवन में मित्र और शत्रु बड़ा महत्व रखते हैं। यदि गंभीरता से सोचा जाए तो ऐसा कोई क्षण नहीं जब हम अपने मित्रों के बारे में ना सोचते हों, या फिर अपने शत्रुओं के बारे में। हमारा हर कार्य या तो हमारे मित्रों के हित के लिए होता है, या फिर हमारे शत्रुओं के अहित के लिए। हम हर स्थान या तो अपने मित्रों के साथ होते हैं, या फिर अपने शत्रुओं के साथ। कोई नहीं चाहता कि उनका शत्रु प्रसन्न रहे। हर कोई अपने शत्रु को नष्ट कर देना चाहता है, और ऐसा करने के लिए वो हर संभव प्रयास करता है। उसे आर्थिक, मानसिक और शारीरिक हानि पहुंचाने का प्रयास करता है। परंतु यदि मैं आज आपको ऐसा मंत्र सिखाऊं जिससे आप अपने शत्रु को सदा के लिए नष्ट कर दे, तो? और वो मंत्र है मित्र बनाना। अपने सभी शत्रुओं को अपना मित्र बना लीजिए, और आपके सारे शत्रु स्वतः ही समाप्त हो जाएंगे। मैं क्या कर रहा हूं? मैं दिए प्रज्वलित कर रहा हूं ताकि अंधकार को मिटा सकूं। अब आप कहेंगे कि इसमें कौन सी बड़ी बात है ना? परंतु इसमें महत्वपूर्ण बात समझने के लिए यह है कि मैं क्या नहीं कर रहा हूं, और मैं अंधकार नहीं कर रहा हूं। क्योंकि अंधकार को मिटाने के लिए प्रकाश का अस्त्र तो उठाना ही पड़ता है। बुराई को बुराई से नहीं, अच्छाई से जीता जाता है। अन्याय को अन्याय से नहीं,
न्याय से लड़ा जाता है, क्रोध को क्रोध से नहीं, क्षमा का साथ लेना होता है। ठीक उसी प्रकार एक लोहा लोहे को काटता है, परंतु एक ठंडा लोहा ही गर्म लोहे को काट सकता है। इसलिए यदि आपको अपने जीवन में विजयी होना है तो अपने शस्त्रों को, अपने अस्त्रों को सोच समझ कर उठाइए, क्योंकि एक अनुचित सोच परिणाम पर भारी प्रभाव डाल सकती है। आप सब सोच रहे होंगे कि ये क्या मैं करने लगा, मैं इस पौधे को जड़ से उखाड़ रहा हूं। आश्चर्य हो रहा है ना कि एक पौधे को उखाड़ना या काटना ना केवल एक अपराध है अपितु पाप भी है। तो फिर मुझे ऐसा करने की क्या आवश्यकता पड़ गई? क्योंकि कई बार विनाश ही सृजन तक पहुंचाता है। यदि नया भवन बनाना हो तो पुराने भवन को गिराना पड़ता है, व्यवस्था को परिवर्तित करने के लिए क्रांति लानी पड़ती है। और उसी प्रकार यदि किसी वृक्ष या किसी पौधे की जड़ों में घुन लग जाए या उसका मूल सड़ जाए तो उसे जड़ से उखाड़ देना ही श्रेयस्कर होता है, ताकि उस स्थल पर नए पौधे उपज सके। युद्ध करना पर्याय नहीं, परंतु कभी कभी शांति के लिए युद्ध करना आवश्यक हो जाता है। सार में सबसे श्रेष्ठ क्या है? फूल या कांटे, प्रेम या घृणा, संपन्नता या दरिद्रता, मित्र या शत्रु, बताइए। अब आप भी कहेंगे कि भला ये कोई पूछने की बात हुई? अवश्य, फूल, प्रेम, संपन्नता और मित्र ही श्रेष्ठ है। परंतु क्या आपने अपने जीवन में कभी सोचा है कि हर एक भाव, हर एक वस्तु, हर एक घटना का एक गुण धर्म होता है? त्वचा पर जलन करने वाले फूलों से अधिक श्रेष्ठ वो कांटे हैं जिनसे आप अपने घर की बाड़ बनाते हैं ताकि वन्य पशु आपके भीतर ना आ सके। वो प्रेम श्रेष्ठ नहीं जो आपको अंधा, लोभी, पक्षपाती बनाता, वो घृणा श्रेष्ठ है जो आपको नया मार्ग दिखाता, वो संपन्नता श्रेष्ठ नहीं जो आपको कृपण बनाता, मतदांध बनाता, वो दरिद्रता श्रेष्ठ है जो आपको जीवन में परिश्रम करने की शिक्षा दे। कुविचार देने वाले, बुरा मार्ग दिखाने वाले मित्रों से अधिक श्रेष्ठ वो शत्रु होते हैं जो हमें जीवन का लक्ष्य देते। इसलिए अपने जीवन में हर वस्तु, हर भाव, हर घटना के गुण धर्म को पहचानिए और उसके पश्चात अपना चयन कीजिए। स्वर्ण, हम सभी को अपने जीवन में स्वर्ण से कभी ना कभी कुछ ना कुछ थोड़ा या अधिक मोह होता ही है ना? परंतु क्या आपने कभी सोचा कि स्वर्ण को प्राप्त कैसे किया जाता है? जब भूमिगत खदानों से स्वर्ण को निकाला जाता है तब वो एक पाषाण की भांति होता है, ऐसा पाषाण जिससे आप किसी को भी मार सकते हैं, परंतु उसे आभूषण के रूप में स्वयं के शरीर पर धारण नहीं कर सकते। यदि उसे आभूषण बनाना है तो उसे लंबी यात्राएं करनी होती है, उस पाषाण को पिघलना होता है, सुनार के हथौड़ी की अनेकों चोटें खानी पड़ती है, फिर काट छाट और उसके पश्चात जाकर वो ऐसा आभूषण बनता है जो हमें वर्षों तक, सदियों तक लुभाता रहता है। इसलिए यदि आपको समय पर विजय पानी है तो स्वयं के निर्माण पर समय देना होगा। हम सभी सुनते आए हैं कि जो वीर होता है, साहसी होता है, शौर्यवान होता है, उसके समक्ष सारा संसार झुकता है, वीर भोग्य वसुंधर। परंतु वीरता है क्या? शौर्य क्या है? साहस क्या है? साहस युद्ध नहीं, वीरता विजय नहीं, शौर्य कभी ना गिरना नहीं,
साहस किसी चुनौती के समक्ष खड़े होने का भाव है, तो वीरता उस चुनौती को उत्तर देने के लिए पूर्ण परिश्रम लगा देना है। और शौर्य, शौर्य का अर्थ है गिरकर फिर से उठने का साहस रखना, बार बार प्रहार करके वीरता दिखाना, निरंतर प्रयास करते रहना, निरंतर परिश्रम करते रहना। इसलिए विजयी होने से अधिक महत्वपूर्ण है शौर्यवान होना, क्योंकि जो शौर्यवान है उसे विजय मिलना निश्चित है। हम सभी बचपन से ये सुनते आए हैं कि अच्छे मित्र हमारे जीवन को पूर्णतः परिवर्तित कर सकते हैं, है ना? अच्छे मित्र, परंतु कौन? जिनसे आप प्रश्न पूछें और वो मित्र बिना किसी पक्षपात के, भय रहित होकर, बिना किसी लालच के आपको उचित उत्तर दे। परंतु सबके समक्ष ये समस्या आ जाती है कि आज के समय में ऐसे मित्र मिलना दुर्लभ है, वो तो होते ही नहीं। परंतु मैं आपको एक बात बताता हूं, हम सब के पास एक ऐसा मित्र होता है, बस हम उसे पहचान ही नहीं पाते। वो है दर्पण। दर्पण के समक्ष खड़े होकर आप स्वयं से पूछिए कि यदि आज आपका अंतिम दिन होता तो क्या आप वही करते जो आप कर रहे थे? आपको उत्तर मिले या ना मिले, परंतु आपकी दिशा अवश्य बदलेगी। इसलिए आपसे अतिरिक्त आपका सबसे घनिष्ठ मित्र, सबसे अच्छा मित्र और कोई नहीं। हम सभी अपने जीवन में कोई ना कोई कार्य करते हैं। कार्य करते हैं तो थकान की अनुभूति होती है, और यदि थकान ना उतरे तो कार्य करने का मन नहीं करता। हम आशा करते हैं कि कदाचित एक दिन में 24 के स्थान पर 26 घंटे होते तो आराम करने के लिए हमें और अधिक समय मिल जाता। हमें ऐसा अनुभव होता है कि हम बहुत अधिक कार्य कर रहे हैं, है ना? परंतु क्या आपने कभी सोचा कि जो लोग संसार में सफल हैं, उनके पास भी सफल होने के लिए दिन में केवल 24 घंटे थे, तो फिर वो सफल क्यों है? इसका एक छोटा सा रहस्य है। वो कार्य चुनते हैं जो उन्हें प्रिय, जिसे करने में उन्हें आनंद आता है। उन्हें लगता ही नहीं कि वो कार्य कर रहे हैं, उन्हें लगता है कि वो प्रतिपल आनंद मना रहे। और जब आप आनंद मनाते हैं तो थकान कैसी? इसलिए यदि आप जीवन में कोई भी कार्य करें तो वो आपके मन को भाना चाहिए, या जो कार्य आप कर रहे हैं उसे अपने मन को भा देने दो। सफलता आपको मिलेगी। हमारा शरीर प्रकृति का एक महान आविष्कार है। इससे जटिल संरचना संसार में और कोई नहीं। हमारा शरीर जितना जटिल है, यदि इसे ठीक से जाना जाए तो इससे अधिक सरल ज्ञान देने वाला और कोई नहीं। हमारे शरीर में पंच इंद्रियां होती हैं, जो हमें भाव, गुण और वस्तुओं का बोध कराती हैं। हमारे पास आंखें हैं, नाक है, स्पर्श के लिए त्वचा है, कान है और जीभा है। सबका भिन्न भिन्न कार्य है। आंखों से देखना, कानों से सुनना, नथनों से श्वास लेना, त्वचा से स्पर्श करना और जीभा से स्वाद लेना। परंतु क्या आपने कभी सोचा कि प्रकृति ने हमें दो आंखें दी, दो नथनें दी, दो कान दी, स्पर्श के लिए ये पूरा शरीर दिया, परंतु जीभा केवल एक दी? ऐसा क्यों? क्योंकि प्रकृति चाहती है कि हम देखें अधिक, सुने अधिक और ज्ञान अधिक अर्जित करें, बोले कम। क्योंकि अधिक वाचाल नाश को निमंत्रण देता है। स्मरण रखिएगा, सागर तो आप सभी ने देखा होगा,
बाहर से कितना उन्मुक्त और भीतर से कितना शांत। उसकी बलशाली लहरों को देखकर ऐसा लगता है कि मानो वो सब कुछ चूर चूर कर देगी, परंतु उसके गर्भ में ना जाने कितने अनदेखे अनजान जीव पलते हैं। उसके भीतर मोती मुक्ता जन्म लेता है। सागर एक है, परंतु उस सागर को लेकर के हमारी प्रकृति भिन्न भिन्न होती है। कोई उसमें तैरता है तो कोई उसकी लहरों का आस्वादन करता है, कोई उसमें अपने पांव भिगोता है तो कोई उसके भीतर जाकर मोती मुक्ता बाहर ले आता है, तो कोई तट पर बैठकर सागर की लहरों को निहारता है, कोई उसमें जीवन का आरंभ देखता है तो कोई उसमें अपने जीवन का अंत देखता है। सागर एक है, परंतु हमारी प्रकृति के अनुसार सागर की प्रकृति भी बदल जाती है। इसी प्रकार जीवन है सबके लिए समान, परंतु उस जीवन में आपको प्रसन्नता देखनी है, प्रसन्नता पानी है या आपको पाना है अवसाद, ये आप पर निर्भर करता है। कभी आप ब्रह्म मुहूर्त में जगे हैं, जगकर आकाश की ओर देखेंगे तो पाएंगे कि भोर होने से ठीक पूर्व रात्रि तनिक अधिक घनी हो जाती है, अर्थात जब समस्याएं अपनी चरम सीमा पर होती है तो उनका हल निकट होता है। परंतु जो इस अंधकार से हार जाता है वो इस अंधकार में डूब जाता है, और जो संघर्ष करता है वो उस अंधकार से उभर आता है। सदैव स्मरण रखिएगा, अंत चाहे कितना भी अंधकारमय क्यों ना हो, उसके पश्चात एक नया आरंभ फूटता है, एक नया उदय होता है। चक्रवात के पश्चात जो शांति छाती है उसके पश्चात प्रारंभ होता है शुभ जीवन का, शुभ भविष्य का, शुभ नव प्रारंभ का। कहा जाता है कि मनुष्य योनि सभी योनियों में श्रेष्ठ है, उत्तम है। क्यों? क्योंकि वो बातें कर सकता है, विचार कर सकता है, या वो आविष्कार कर सकता है, अद्भुत यंत्र बना सकता है। नहीं, क्योंकि मनुष्य के भीतर करुणा, चेतना और सद्भाव वास करते हैं। सामान्यतः हर प्राणी योनियों की चार उद्देश्य होते हैं, सोना, अपनी भूख मिटाना, अपना क्षेत्र बनाना और संतान की उत्पत्ति करना। किंतु मनुष्य योनि श्रेष्ठ इसलिए है क्योंकि अपनी भूख मिटाने के साथ साथ वो प्रयास करता है कि औरों की भूख भी मिटे, सब लोग मिलजुल कर विकास करें। वो समष्टि के लिए सोचता है। अपने आप चरना तो पशु की प्रवृत्ति होती है, परंतु दूसरे के लिए स्वयं का बलिदान कर देना, दूसरे के दुख को समझने की करुणा, यही प्रवृत्ति एक मनुष्य को भिन्न बनाती है। जिस दिन मनुष्य के भीतर करुणा लुप्त हो जाएगी उस दिन वो मनुष्य सामान्य पशु बनकर रह जाएगा।